ये भी जितने भी मोस्टली बच्चे होते हैं जिनको दांत के अंदर बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि मेरा दांत इस तरीके से है तो वो मेडिकल में फिट है कि अनफिट है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेडिकल में अधिकतर जो बच्चे होते हैं मोस्टली बच्चों का दांत बिल्कुल कॉमन होता है, लेकिन आप ये देखिए इसको शेर दांत बोलते हैं। ये जो शेर दांत होता है इस तरीके से, इस शेर दांत से बच्चों को काफ़ी दिक्कत परेशानी होती है कि शायद मैं मेडिकल में अनफिट हो जाऊँ, लेकिन ये मेडिकल में अनफिट नहीं होता। आपको मैं दिखाता हूँ कि मेडिकल में आपको ये देखिए इस तरीके से आपके जो आगे के दांत होते हैं और पीछे के दांत होते हैं, तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार अगर ये दांत है तो इसमें किसी भी प्रकार से अगर कोई भी आपको अगर इस तरीके से अगर इसमें कीड़े लगे कुछ भी लगे तो आप इसको ना उखड़वाएं, क्योंकि जो अकल के दांत होते हैं या जो चौहे बोलते हैं जिसको, ये दांत उखड़ने नहीं चाहिए। और आगे वाले जो दांत होते हैं इस तरीके का, इन दांतों के अंदर किसी भी तरीके से कोई दिक्कत परेशानी होता तो आप उसके अंदर कैपिंग वगैरह कोई भी चीज करवाते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर हल्का फुल्का टूटा भी है तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर आपका दांत प्रॉपर तरीके से इस तरीके से कीड़ा लग गया है तो इसके अंदर पॉइंट्स दे देते कि भाई आप इसको मेंटेन करवा करके आओ। अगर इसके अलावा जैसे किसी भी बच्चे को कोई पॉइंट है कि इस तरीके का उसका अगर दांत निकला हो, जैसे इसको शेर दांत बोलते हैं, तो इससे कोई भी मेडिकल में दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, कोई भी बच्चा परेशान ना हो। या फिर कोई बच्चा सोचता है कि मैं इसको सेट करवा लूँ या फिर जो तार का जो सेटअप होता है उसको लगवा करके इसको सीधा करवा लूँ, तो उससे आपका सिर्फ पैसे का वेस्टेज होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि इससे आपको मेडिकल में किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं होगा। राहुल मेरे पास आया था, उसने बोला कि सर मेडिकल में मेरे को डर लग रहा है कि शायद मेरे इस दांत को बाहर कर दिया जाएगा, तो इसके दांत को बाहर नहीं किया जाएगा। और दांत के अंदर आपको एक चीज़ और कॉमन चीज़ें बता देता हूँ कि आप इसमें से किसी भी दांत के अंदर अगर आपका किसी भी प्रकार से अगर कोई पीलापन हो या फिर उसके अंदर दाग लगा हो या टूटा हुआ हो तो आप दांत में बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। दांत में जब तक अगर आपका मेजर प्रॉब्लम होगा कि आपके जो चौहे के दांत होते हैं अगर ये उखड़ा हुआ नहीं है या फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हो रखा, तब तक आपको दांत के अंदर मेडिकल अनफिट नहीं किया जाता है। ठीक है रोहित। और इसके अंदर मैं और चीज़ क्लियर बता दूँ कि अगर इसके दांत में और आपको डीपली दिखाता हूँ, ये देखिए दांत पीलापन जो भी चीज़ें होता है तो इससे भी कोई परेशानी नहीं होगा। या फिर ऊपर की तरफ देखिए, सिर्फ आपको एक नॉर्मल आपको एक जो डिफेक्ट दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर ये देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है, गैप दिखाई दे रहा है, तो इस गैप से किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अगर चाहें कि इसको आप इस तरफ तार से करवा दें तो कोई भी आपको मतलब कि फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा और मेडिकल में इसमें किसी भी तरीके से दिक्कत परेशानी ना हो। तो आप लोग अपने मन के अंदर जो दांत या किसी भी और मेडिकल शरीर के अंदर मेडिकल की प्रॉब्लम को लेकर के अगर टेंशन रहते हैं या दिक्कत परेशानी में रहते हैं तो आप लोग इस वीडियो के अंदर कमेंट्स कर दें, हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन करके बता देंगे कि इसमें किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है राहुल? तो आपके अगर मन में डाउट हो तो आप बिल्कुल डाउट निकाल देना और इसके अंदर दांत का कोई भी प्रॉब्लम आपके शरीर में नहीं है। ठीक है? ठीक है बेटा।